वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। आज इस लेक्चर वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यह मेल सेक्स हार्मोन इसे कहा जाता है। ये जो है फीमेल की बॉडी में भी पाई जाती है। कैसे हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे इसे। टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। इसे स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जिस भी हार्मोन के कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल हो उसके आगे स्टेरॉइड लग जाता है। ये वर्ड सीक्रेटेड फ्रॉम टेस्टिस। ये टेस्टिस से सीक्रेट होती है और एड्रेनल ग्लैंड से भी सीक्रेट होती है। टेस्टिस जो है यह मेल सेक्स ऑर्गन है और ये मेल की बॉडी में पाया जाता है, इसलिए इसे बेसिकली बोला जाता है मेल सेक्स हार्मोन। लेकिन ये एड्रेनल ग्लैंड से भी कुछ अमाउंट में रिलीज हो रही है। एड्रेनल ग्लैंड जो है मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में पाई जाती है, किडनी के ऊपर। इसलिए टेस्टोस्टेरोन जो है कुछ अमाउंट में फीमेल में भी रिलीज होती है। तो जो फंक्शन ये मेल की बॉडी में परफॉर्म करती है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट, वैसा ही थोड़ा बहुत इफेक्ट फीमेल की बॉडी में भी देखने को मिलता है। कम देखने को मिलता है लेकिन फीमेल की बॉडी में भी इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत पाया जाता है। अब इसके सीक्रेशन को देखें तो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होती है। गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन का इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब पर होता है। एंटेरियर लोब से फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू टेस्टिस पर जाकर इफेक्ट करती है। टेस्टिस इसे हम गोनेट्स भी कह सकते हैं। मेल की बॉडी में जो है टेस्टिस बोलेंगे और फीमेल की बॉडी में अगर गोनेट पूछे क्या है तो वो है ओवरी। टेस्टिस में लेडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट कर रही है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कौन सी सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कर रही हैं, तो वो है लेडिक सेल। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। जब प्यूबर्टी का समय आता है, इट मीन जब किसी बॉय की एज 13-14 पहुंचती है, तब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट होता है और उस समय ये मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराती है। इट मीन्स टेस्टिस का डेवलपमेंट अच्छे से होता है और मसल्स का भी क्या होता है स्ट्रेंथन, मसल्स भी अच्छी स्ट्रेंथ में हो जाती है, बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, बॉडी हेयर्स ग्रोथ, बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगता है, जैसे कि आर्म पिट में हेयर आ जाना, फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछ, बियर्ड मुस्टेक एंड लोअरिंग ऑफ वॉइस। वॉइस जो है थोड़ी सी भारी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है। और ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल, जो लैरिंग्स होता है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए वह निकला हुआ ज्यादा नजर आता है बॉयज में। ये हार्मोन जो है फीमेल में भी है, फीमेल में भी इसका इफेक्ट होता है। कुछ फीमेल की भी वॉइस हैवी होती है लेकिन ये जो है इसका इफेक्ट बॉयज में ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस से मेनली सीक्रेट होती है और एड्रेनल ग्लैंड से थोड़ा कम सीक्रेट हो रही है लेकिन कम में सीक्रेट हो रही है। मेंटेनिंग लिबिडो, सेक्स ड्राइव को भी मेंटेन करती है यह मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में ही इसका फंक्शन देखा जा रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस, यह मेल की बॉडी में मेनली स्पर्म का फॉर्मेशन करा रही है। इसका सीक्रेशन जो होता है यह अगर इसका अमाउंट देखा जाए तो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा इसका अमाउंट पाया गया है मेल की बॉडी में। आई होप आपको समझ में आया होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। थैंक यू।